आईएससी क्लास 11 कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट किए थे। हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पेज नंबर 19, सीबी गुप्ता। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। एज यू ऑल नो, कोई भी ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी जिसके पीछे का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उस एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और यदि बिजनेस का बात करें तो आप लोग ऐसा कोई भी बिजनेसमैन को नहीं जानते हो जो कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए करता हो। अलग बात है कि वो बिजनेस करता है साथ ही साथ चैरिटी करता है, मगर वो चैरिटी तब कर पा रहा है जब उस बिजनेस से वो प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। और जब वो बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो यदि पूछा जाए कि बिजनेस कौन सा एक्टिविटी हुआ, तो अनडाउटेबली बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। अब बात आता है कि इस पॉइंट को जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपने ओन वर्ड्स में, तो मैं आप लोग को बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पूरा वर्ड टू वर्ड जो बुक का लिखा हुआ है वो लिखना है, मगर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते वक्त आप लोगों को दो तीन बात का ध्यान रखना है। पहले आप ये लिखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, उसमें ये बात मेंशन करना जरूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट या प्रॉफिट अर्न कर। उसके बाद आप ये बात मेंशन करोगे कि बिजनेस का भी इक्विवेलेंटली प्रॉफिट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और सेकेंडरी मोटिव होता है कि वो चैरिटी या सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान। अतः इसलिए बिजनेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा आंसर लिखोगे तभी जाकर के आपको नंबर मिलेगा। आप उसको सही तरीके से हर एक पैरामीटर पे एक्सटेंड कर दीजिए एंड यू विल गेट गुड मार्क। नेक्स्ट दिया हुआ है बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्स। देखिए, बिजनेस प्रोडक्शन से एसोसिएटेड होता है या मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएटेड होता है। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही केस में जितना भी स्केर्स रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी नेचुरल रिसोर्स दिखता है हम लोग, इवन मैन मेड रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ, हम तीनों का बात कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ, तीनों ही एक लेवल पे आ करके स्केर्स हो सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि सर मैन मेड रिसोर्स स्केर्स कभी नहीं होगा, एकदम हो सकता है, क्योंकि मैन मेड रिसोर्स के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो रॉ मटेरियल नेचुरली होगा। ऑब्वियस बात है कि वो रॉ मटेरियल नेचुरल होगा, वो रॉ मटेरियल यदि स्केर्स हो गया तो मैन मेड रिसोर्स कैसे बनेगा, वो तो अवेलेबल रहेगा ही नहीं, इंटर रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स सर वो कैसे स्केर्स हो सकता है, सिर्फ पॉपुलेशन होना किसी कंट्री में, बहुत पॉपुलेशन है तो क्या हम लोग ये बोलेंगे कि वहां पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, नहीं, पॉपुलेशन एंटायर पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोला जाता है। उस पॉपुलेशन में कितना प्रोडक्टिव है, मतलब कितना स्किल्ड है, कितना काम करने लायक है, कितना इफेक्टिव है, उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में काउंट करेंगे। आप पाकिस्तान का पॉपुलेशन देखिए, बहुत पॉपुलेशन है वहां पे, क्या वहां पे ह्यूमन रिसोर्स है, नहीं है, वो कुछ दिन में माइनस में आ जाएगा, तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स क्या है, स्केर्स है। बिजनेस का काम ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी रिसोर्सेस है, चाहे वो नेचुरल हो जिसको हम लोग रॉ मटेरियल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैनमेड है जिसको हम लोग मशीन्स वगैरह के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है जो हम लोग एम्प्लॉयज एंड स्टाफ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इन सभी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना मोटिव होता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ द बिजनेसमैन। इसको समझिए, बिजनेस जब हम लोग करते हैं, चाहे उसमें किसी चीज का प्रोडक्शन करें या हम लोग ट्रेडिंग करें, दो ही कर सकते हैं, या तो प्रोडक्शन करेंगे या फिर बोली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे, या दोनों ही कर सकते हैं, खुद का अपना लेकर के दोनों ही कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम जिस गुड्स में डील करेंगे अपना बिजनेस को, वो गुड्स होगा जिसका मार्केट में डिमांड हो,
जो आम जनता चाहता हो। सपोज इस पेंसिल का मार्केट में डिमांड है ही नहीं, तो हम तो इसको बनाएंगे ही नहीं। तो बिजनेस कभी भी उस चीज का या फिर उस चीज से नहीं डील करता है जिसका मार्केट में डिमांड ना हो। बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज वही प्रोड्यूस किया जाता है या फिर वही रेंडर किया जाता है जो कि लोगों का डिमांड को फुलफिल करे, जो कि लोगों का डिमांड हो। एंड जब आप लोगों का डिमांड के अनुसार गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली लोगों का जो डिमांड है या नीड है वो फुलफिल तो होगा ही। इसीलिए कहा गया है कि बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का नीड कैसे फुलफिल करता है? बिजनेसमैन को गांधी जी चाहिए होता है, तो वो गांधी जी कैसे मिलता है? वो लोगों का नीड पूरा करता है, लोग उसका नीड पूरा करते हैं। गिव एंड टेक पॉलिसी के आधार पे दुनिया जो है वो चल रहा होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक 2.5, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच रेगुलेट एंड जनरेट इट्स एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया वेयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स डायरेक्टली अफेक्ट सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ बिजनेस। ये सिर्फ मैं बिजनेस का बात नहीं कर रहा, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप जिस भी स्ट्रीम को चूज करके पढ़ाई कर रहे हो, सपोज आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज किए हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आप सीए करेंगे, एमबीए करेंगे, एचएम करेंगे, सीएफए करेंगे, सीएमए करेंगे, एचएम करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स रहता है एंड उसके अनुसार आप काम करते हैं। बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है उसको हम लोग डील करते हैं। पहला दिया हुआ है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स। यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स का बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग पोर्शंस में कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे पहला जो देखेंगे वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि बिजनेस का बाकी जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आप तब तक फुलफिल नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा। आप दान दक्षिणा तभी करिएगा जब आपके पास पैसा है, आप चैरिटी तभी करिएगा जब आपके पास पैसा है, आप सोसाइटी को तभी सर्व करिएगा जब आपके पास पैसा है। इसीलिए पैसा का बहुत महत्व है और इसीलिए पैसा कमाना बिजनेस का प्राइमरी मोटिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिएगा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। आप यदि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर ले रहे हैं तो आप सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल कर पाएंगे, बशर्ते आपका दिल बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कमाते तो बहुत है मगर उनको यदि बोला जाए कि आप कुछ चैरिटी करिए, आप कुछ समाज सेवा करिए, तो वो आगे चल करके नहीं आते। इसीलिए मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लिया है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करता हो, ऐसा आवश्यकता कोई जरूरी नहीं है। बहुत लोग नहीं भी करते। लॉकडाउन के समय में आप लोग ऐसे कई सारे बड़े बड़े लोगों का नाम सुन रहे होंगे अपने लोकल एरिया में जो कि रास्ते के किनारे गरीबों के लिए सुबह का और रात का खाना का बंदोबस्त करवा रहे थे, मगर एट द सेम टाइम आपके चिन्ह परिचित में ऐसे और भी इकोनॉमिकली साउंड बहुत सारे लोग थे जो चाहते तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते थे मगर नहीं किए। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर वो आदमी जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लिया है सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंटरेस्टेड हो। थर्ड देखिएगा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव आता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। और आप लोग भी जब आंसर लिखिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा यदि पूछता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस तो आपको जैसा कि सिखाया गया है एक चार्ट बनाइएगा, चार्ट बना करके एक्सप्लेन करिएगा। ये चार्ट बनाने से आप लोगों के आंसर्स को और ज्यादा वेटेज मिलेगा। और फाइनली जो लास्ट है वो है नेशनल ऑब्जेक्टिव। इसको ऐसे समझ लीजिए कि नेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का हमारे हिंदुस्तान में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखे हुए हैं, यदि बिजनेसमैन का बात करें तो सबसे फॉरमोस्ट में हम नाम लेंगे टाटा का, यानी कि रतन टाटा जी का, एंड अंबानी का, अदानी भी आता है, ऐसा बात नहीं है कि अदानी नहीं है, अदानी भी आता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में देखिए पहला मोटिव क्या है बिजनेस का, अर्निंग प्रॉफिट।
इकोनॉमिक बातें किया गया है. इकोनॉमिक पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना. इसको और ज्यादा हम खदेड़ेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बोल चुके हैं कि बिजनेस का, हर बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है क्रिएटिंग कस्टमर्स. अब जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, जो पहला पॉइंट आप लोग पढ़ रहे हैं अर्निंग प्रॉफिट, वो डिपेंड करता है सेकेंड पॉइंट के ऊपर. क्योंकि जब तक आप कस्टमर क्रिएट नहीं करिएगा आपको प्रॉफिट कौन ला के देगा. आप अपने ससुराल वाला को बार बार सामान बेच करके बेसी दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और पूरा समाज तो आपका ससुराल वाला है नहीं, राइट? आपको उसके लिए कस्टमर्स को तो क्रिएट करना पड़ेगा. और कस्टमर्स क्रिएट ऐसे ही नहीं होते हैं बिजनेस में. अब आता है बिजनेस का एथिक्स का. कस्टमर को क्रिएट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कस्टमर की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान दें. कस्टमर को क्या चाहिए उसके ऊपर ध्यान दें. यदि इसका एग्जाम्पल दिया जाए, MI कंपनी को देख लीजिए, चाइना में बैठा है मगर हिंदुस्तान में लड़कियों का जो बुखार बढ़ते जा रहा है सेल्फी को लेकर के, वो लड़कियों का आवश्यकता था, उसको MI वाला लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया. ऑब्जर्व करके ऐसा फोन निकाल दिया 108 मेगापिक्सल कैमरा का जो सिर्फ सेल्फी के लिए स्पेशलिस्ट है. भले उसमें साउंड ढंग से आया नहीं है मगर इंस्टाग्राम रील्स और बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब चीज अच्छा से उसमें बन जाता है और देखिए उसका अच्छा खासा सेल हो रहा है. तो ये क्या है, कस्टमर की आवश्यकताओं को पकड़ करके चलना. थर्ड बात आता है कस्टमर को क्रिएट करने के लिए, आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनका नीड को सेटिस्फाई करे और उनको यूटिलिटी दे. सेटिस्फाई कर रहा है मतलब उनको यूटिलिटी मिल रहा है. मगर कस्टमर क्रिएशन सिर्फ इन दो चीजों पर नहीं होता है, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है आफ्टर सेल सर्विस. इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपका प्राइस अनाप शनाप ना हो, आपका सामान अच्छा क्वालिटी का हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, यानी कि उसमें किसी तरीके का कोई पोल्यूटेंट ना हो जो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी को खराब कर दे. यदि आप इन सब पैरामीटर्स का ध्यान दे रहे हो तो मार्केट में क्रिएट होगा आपका गुडविल. और आपका जितना गुडविल क्रिएट होगा उतना ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स क्रिएट होते जाएंगे ही जाएंगे. और एक बार कस्टमर क्रिएट हो गए तो वो ना हर साल जनरेट होते जाएंगे. टर्नओवर की तरह है, हर साल वो जनरेट होते जाएंगे. और अल्टीमेटली आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज अर्निंग प्रॉफिट, वो फुलफिल हो ही जाएगा. थर्ड पॉइंट देखिए इनोवेशंस. जो हम बोले एग्जांपल दे रहे थे MI का, किसी भी प्रोडक्ट को आप कितना और ज्यादा इनोवेट कर रहे हैं, आपको इनोवेशंस के ऊपर हमेशा ध्यान देना है. आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको आप कितना और ज्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं. इसका एक उदाहरण देते हैं, राखी, सावंत नहीं, राखी. राखी जो है पहले एक धागा हुआ करता था और उसमें एक फ्लावर बीच में रहता था, फ्लावर टाइप का शेप, बस वो राखी है. फिर राखी तो अब इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो राखी में नंबर ऑफ राखी भी बढ़ते जाएंगे. अभी के जो सब बच्चे लोग हैं, सब कोची बच्चे लोग हैं, तो राखी में कितना इनोवेशन ले आया गया. देखिए अभी जो राखी निकल रहा है, राखी का जो धागा है वो एक पोलियो की मरीज की तरह है, बहुत पतला दुबला, बेसिस पर टांग डाली करेंगे तो छूट जाएगा. और उसके बीच में राखी देखिएगा, बड़ा सा पोकेमोन दिखाई पड़ रहा है, डोरेमोन दिखाई पड़ रहा है, भालू हाथी सब उसमें तरह तरह का, ऐसा राखी हो जा रहा है. बड़ा सा एक कुछ कार्टून बना दिया गया है, उसको दो बार ठोकिएगा तो लाइट भी जल रहा है, बुक बक कर रहा है ना. ये सब क्या है, ये सब इनोवेटिव है, ये सब इनोवेशन है. चीजों में कितना आप तब्दीली ला रहे हैं, है ना. तो आपको इसमें ध्यान देना है. अब देखिए
इनोवेशन लाने का तरीका भी अलग अलग होता है। एक होता है कि आप एक्चुअल में जो गुड्स है या प्रोडक्ट है उसमें आप कुछ इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं। दूसरा होता है कि उस गुड्स में कोई इनोवेशन नहीं है, बस उस गुड्स का जो टैगलाइन दे रहे हैं ना, टैगलाइन वो ऐसा हो रहा है कि आपको मानो लग रहा हो कि उसमें बहुत हेवी इनोवेशन है। जैसे दाने दाने में केसर का स्वाद सुन के लग रहा कितना इनोवेशन है, अब ऐसा पान पुड़िया निकल रहा है जिसमें खाने से आपको केसर मिलेगा, है ना। अच्छा टीवी देखिएगा, टीवी का काम पर्पज क्या होता है कि टीवी चलाए, मतलब टीवी का अच्छा सब देख पाए तो दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छा पिक्चर क्वालिटी हो, मूवी भी चल जाए, स्मार्ट टीवी का आपको सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करके दे दे। अच्छा हम थोड़े टेक्नोलॉजी में कमजोर हैं, अभी कुछ दिन पहले देखे कि ऐसा भी टीवी उपलब्ध है जिसके ऊपर पता नहीं क्या बॉक्स टाइप का लगा दिया छोटा सा, मॉस्किटो रिपेलेंट है, मतलब वहां से कुछ पता नहीं क्या निकलता है उससे अगल बगल रूम में मच्छर वगैरह भागेगा जी। फिर बहुत पता किए कि कौन कौन से कंपनी है जो ऐसा सामान तैयार कर रहा है, तो सामने आया LG और Lenovo, टीवी के ऊपर ऐसा सेटअप कर दिया है उससे कुछ ध्वनि निकल रहा है या फिर उससे कुछ राइट कुछ निकल रहा है जो कि रूम से मॉस्किटो को भगा दे रहा है। एक्चुअल में भले ये सब चीज लंबा समय तक चले या नहीं चले, एक दो महीना चलते चलते अंतिम सांस ले चुका रहेगा, मगर स्टार्टिंग में इनोवेटिव दिखा दिया गया, यहाँ कितना इनोवेटिव है ना। तो आपको हमेशा इनोवेशन के बारे में सोचते रहना चाहिए। लड़कियों के अंदर बहुत सारा ख्याल आता रहता है कि आइसक्रीम्स इन लोगों को और कितना इनोवेटिव मिले, इसीलिए सारे आइसक्रीम पार्लर्स वाले लोग तरह तरह का इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं। पहले नूडल्स खाते थे, चौमिन मैगी वगैरह ये सब होता था, अभी उसको पता नहीं कितना ज्यादा इनोवेटिव कर दिया गया, ऐसा ऐसा नाम बोला जा रहा है मानो कि कोई साइंटिफिक नेम पढ़ रहे बायोलॉजी में। ये सब क्या है, ये सब इनोवेशन है। मार्केट में आपको एग्जिस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है, और इसी के बीच में आप इनोवेटिव ऑटोमेटिक बन जाइए। समझ में आया आप लोग को ये पॉइंट? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक सामाजिकता के ऊपर बात कर रहा है ये पॉइंट। पहला ये यहाँ पे दिया हुआ है सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। आप जो भी गुड्स जो भी सामान आप मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हैं डिजायरेबल प्राइस में, एज ए टीचर ये नहीं कि हम कोई और बुक से पूरा उतार दिए हैं और उसका दाम ओरिजिनल बुक से 5 गुना बेची रखती है, ये सब इनोवेशन का या फिर ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव का फुलफिलमेंट नहीं बताता। आप एक बात सोचिए ना कि आप एक दुकान खोल के रखे हैं, आप उसमें राशन पानी का सामान बेच रहे हैं, आप अलग ही रेट में बेच रहे हैं, आपके अगल बगल बाकी जितने लोग चीनी बेच रहे हैं वो लोग 45 रुपीज के जी में बेच रहे हैं, आपके दिमाग में पता नहीं क्या आ गया विनाशकाली विपरीत बुद्धि, आप 60 में बेच रहे हैं, अपने घर में लेके जाइए चीनी, कौन लेगा आपसे? आपको आप जिस भी चीज का कारोबार कर रहे हैं उसका प्राइस को लेकर के हमेशा सचेत है, उसका प्राइस अनाप शनाप मत लीजिए, अपॉर्चुनिस्ट मत बनिए। कहने का अर्थ ये है कभी यदि देश में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है ऐसे में आप उसका फायदा मत उठाइए। लॉकडाउन के समय में हम देखे थे जो लोग डारा लगाते हैं, जो लोग फल वगैरह बेचते हैं वो लोग अपॉर्चुनिस्ट बन गए थे, ये वो लोग सामाजिक काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए था। ठीक है प्रॉफिट कमाता है हर कोई, अच्छा रहता है प्रॉफिट कमाने का, मगर जो फ्रूट्स पहले 40 रुपये किलो बिक रहा था आप उसको सीधा 150 में बेच रहे हैं तो हद हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा हो रहा था, ये सोशली डिजायरेबल थिंग आप नहीं कर। उसके बाद देखिए दिया हुआ है फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयर्स। यदि आप मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है तो आपके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, स्टाफ भी काम कर रहे होंगे, उन लोगों को उनका मेहनत का जो सही अमाउंट होना चाहिए, सही जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए वो उनको जरूर दे। ये नहीं कि आप काम करवा लिए उनसे पूरा
उसके बाद उनको आप उनका मेहनतनामा ना दो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज, और ये बिजनेस का एथिक्स है, आप भले 2 रुपये कम प्रॉफिट अपने घर में लेके जाइए, आप हमेशा शॉर्ट टर्म का मत सोचिए, आपको आगे लॉन्ग टर्म का सोचना है। आप एक बार एम्प्लॉयज का पैसा को चाप करके अपने पास रख लिए हैं, स्टाफ का पैसा को दबा करके अपने पास रख लिए हैं, 5 दिन के लिए आपके पॉकेट में अच्छा खासा पैसा आ जा रहा है, मगर ये समझिए कि फ्यूचर में यदि ये एम्प्लॉयज और ये स्टाफ काम नहीं किए तो इन लोगों का हिस्से का काम आप खुद अकेले नहीं कर पाएंगे, शायद आपका फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो इन लोगों को खुश रखिए। इसीलिए देखिएगा कई सारे बिजनेसमैन लोग अपने एम्प्लॉयज और स्टाफ को बहुत ध्यान रखते हैं, उन लोगों का फैमिली मेडिक्लेम, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। कोई फेस्टिव ओकेशन के समय में, स्पेशली बंगाल में दुर्गा पूजा दिवाली के समय में बोनस प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज के अंदर या स्टाफ के अंदर काम करने का एंथुसियाज्म रहता है, और उससे बड़ा बात है कि वो आपके लिए ऑनेस्ट रहते हैं। एक बात ध्यान रखे, उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि आपका स्नैक्स का शॉप है, आप स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, एक्चुअली आप नहीं बना रहे हैं, आप कैशियर हैं, आप खाली बैठ करके कैश गिन रहे हैं, और आपका उस दुकान का जो पॉपुलैरिटी है वो उस दुकान में काम करने वाले हलवाइयों के कारण है। जब उन लोगों के कारण आपके दुकान का नाम चारों तरफ स्प्रेड हो रहा होता है, जब आप ब्रांड बन जाते हैं ना, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर है जो चाहते हैं कि आपके दुकान का वो सारा हलवाई उनके दुकान पे आके काम करे। और ऐसा नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर आपके दुकान के हलवाई से कॉन्टैक्ट नहीं करते होंगे, बिल्कुल कॉन्टैक्ट करते होंगे। यदि आप अपने दुकान के एम्प्लॉयज का या स्टाफ का पैसा सही समय पर नहीं दे रहे हैं, पैसा कम दे रहे हैं, और उनके पास जहां आपके कॉम्पिटिटर से ऑफर आ गया वो लोग संग संग स्विच कर जाए, उसके बाद आप जो ब्रांड बने थे, ध्यान रखिएगा, आप जो ब्रांड बने थे उनके कारण बने थे, अब आप वापिस जमीन पे आ जाएंगे। बहुत जरूरी है कि आपके स्टाफ और आपके एम्प्लॉयज आपके लिए ईमानदार हो, और वो ईमानदार तब होंगे जब आप उनका ध्यान रखेंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजता, आप उनका ध्यान रखेंगे वो आपके लिए जान तक दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप एक बड़े बिजनेसमैन जब बनेंगे तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि आपका बिजनेस काफी एक्सपेंड कर रहा है, आपका बहुत सारा ब्रांचेस है। फॉर एग्जाम्पल, मियो अमोरे, ये देखिए, इसका पहले कुछ जगह का आउटलेट्स था, अभी इसका आउटलेट बहुत जगह खुल गया, इसका बहुत जगह ब्रांचेस खुला, यानी क्या हुआ, इसका बिजनेस एक्सपेंड किया। अब जितना जगह इसका दुकान खुल रहा है, इसका जितना जगह आउटलेट खुल रहा है, सब जगह कोई ना कोई आदमी तो चाहिए, एटलीस्ट 3 आदमी तो चाहिए। तो हर एक लोकेलिटी में जहां पे मियो अमोरे का आउटलेट खुल रहा है, वहां के एटलीस्ट 3-3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है। आपका बिजनेस जैसे ऐसे एक्सपेंड करता है, आप ऑटोमेटिकली समाज सेवा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप उन सब लोकेलिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और वहां के लोगों को काम प्रोवाइड करते हैं। स्विगी का बात कर लीजिए, जोमैटो का बात कर लीजिए, रैपिडो का बात कर लीजिए, ऑल ओवर इंडिया, शायद रैपिडो का ऑल ओवर इंडिया बोलना सही नहीं होगा क्योंकि कई सारे राज्यों में रैपिडो नहीं है, ओला उबर भी ले लीजिए, अब हो सकते हैं पैन इंडिया लेवल पे बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में बहुत लोगों को बेरोजगारी से रोजगार प्रोवाइड किया है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता। आप कितने ही लोगों का परिवार आपके कारण चल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली सामाजिक हो ही जा रहे हैं। उसके बाद फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, मानिए कि आपका बिजनेस आप चला रहे हैं, और आपके बिजनेस में जो कैपिटल वगैरह या पैसा इन्वेस्टमेंट कोई और किया है, तो फ्री में तो नहीं करेगा, आपको उसको कुछ रिटर्न तो देना होगा ना, जो पहले तय बात हुआ रहा होगा। आप यदि लोन भी लेंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। उसी तरीके से आपके बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं
उनका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है तभी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनको फेयर रिटर्न मिले। तो उनको फेयर रिटर्न देते वक्त आप बेमानी मत करिए, और आप फेयर रिटर्न उनको तभी दे पाएंगे जब आप खुद अच्छा से अपना काम कर पाएंगे, जब आपका गुडविल होगा, जब आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब आपका खुद का पेट नहीं भरेगा आप उनको क्या ही दे दें। आज जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, उनका भी कुछ उम्मीद होता है। क्या उम्मीद होता है? कि जो पैसा लगाए हैं उसमें उनको अच्छा खासा कुछ रिटर्न मिले। यदि कंपनी अच्छे से काम नहीं करेगा, कंपनी स्कैम करेगा, तो कंपनी लॉस में जाएगा। कंपनी यदि लॉस में गया तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में, कंपनी का गुडविल खराब। लास्ट पॉइंट नहीं, फिफ्थ पॉइंट, सोशल वेलफेयर। इन सब के अलावा जो पॉइंट हम लोग पढ़े, आपके पास जब अच्छा खासा पैसा है, आप इकोनॉमिकली साउंड हो चुके हैं, आप स्टैंड हो चुके हैं अपने पांव पे, तो समाज के बारे में सोचिए। जरूरत पड़े तो कहीं पे शौचालय बनवा दें, कहीं पे प्याहू बनवा दिए, कोई विद्यालय बनवा दिए, कोई रेस्ट हाउस बना दिए, समाज सेवा जिसको बुलाया जाता है वो करिए। इससे क्या होता है, लोग भी आपको जानते हैं और आपका सोसाइटी में नाम भी बनता है। और इन सबसे बड़ा बात, आप पुण्य का काम कर रहे हैं। आपको खुद इन सब फायदाओं से बड़ा फायदा ये होता है कि खुद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मन का शांति मिलता है। लास्ट पॉइंट देखिए, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। जहां हर कोई मुंह चुराता है, हर कोई चाहता है कि उसको टैक्स ना देना पड़े, और उम्मीद ये लगा के रखता है कि सरकार कुछ काम क्यों नहीं कर रहा, सरकार और क्यों नहीं डेवलपमेंट का काम कर रहा, आप सरकार का टैक्स नहीं दे रहे। जैसे आज हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, कैबिनेट टैक्स नेता बहुत सही बात लिखा है कि बहुत सवाल उठाया जा रहा है रेलवे में कि रेलवे का साफ सफाई नहीं हो रहा है, रेलवे बहुत अनहाइजीनिक हो गया है। और लास्ट कुछ महीनों से जब रेलवे में चेकिंग चल रहा है, जब वो लोग रिसर्च किए, तो रेलवे में जगह जगह पान खा करके, पुड़िया खा करके थूक रहा आम जनता। और एक्सपेक्टेशन सरकार से कितना ऊपर रखा है। देखिए, आप खुद एक तरफ बर्बादी करते जा रहे हैं और आप सरकार को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक देश का नागरिक, एक देश का सच्चा नागरिक होने का कर्तव्य आपका ये है कि आपका सरकार के प्रति जो दायित्व बनता है उसको आप फुलफिल करिए। चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो फिजिकल रूप में हो, आपका जहां जहां एफर्ट का रिक्वायरमेंट है, जहां जहां आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या होना चाहिए, उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप आगे बढ़ करके इच्छा के साथ, ना कि मन मार के गाली देते हुए, बल्कि इच्छा के साथ आप उसको फुलफिल करें। इसी के साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स आगे स्टार्ट करेंगे।